हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिहार ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मज़े में होंगे। तो आज मैं आप सबसे बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ। एक तरह से आप लोग मुझे काफ़ी दिन बाद देख रहे हैं क्योंकि चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। इसके पीछे का रीज़न क्या था? एक्चुअल में मेरा जो है, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है अभी फ़िलहाल 12th का। तो मैं इस वक्त ज़्यादातर फोकस किया हूँ अपने एग्ज़ाम के ऊपर कि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ जाए या अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम मैं दे दूँ। और सोहेल भाई हैं जो हमारे साथ, वो तो फिलहाल अभी पढ़ा रहे हैं, टीचिंग लाइन में है उनका। आप सभी को पता है कि उनका एक चैनल भी है टीचिंग का, जो उस पर अपना वीडियो भी बना रहे हैं। और साथ में जो 10th के 12th के लड़के हैं उनको पढ़ा रहे हैं। एग्ज़ाम टाइम है, वो लड़के भी काफ़ी ज़्यादा ज़िद करते हैं कि सर कोई भी टीचर जो है अच्छा से अच्छा बच्चों के लिए पढ़ा सके। बच्चे भी यही सोचते हैं कि मुझे कोई टीचर कुछ ऐसा क्वेश्चन बता दे जिसे मैं एग्ज़ाम में अच्छे से करके आ जाऊँ, ऐसा रहता है। तो अभी सुहेल भाई काफ़ी बिजी हैं पढ़ाने को लेकर, और हमारे अशरफ भाई जो हैं वो अलग जगह बिजी है थोड़ा। उनको लेकर मैं बताता हूँ कहाँ बिजी है। उनके घर में रिलेशन में किसी का शायद शादी वगैरह है, तो उसी में बिजी चल रहे हैं। तो एक्चुअल में हम लोग का ये है कि अब तुरंत कुछ दिन बाद हो सके तो हम लोग मिलके एक वीडियो बनाएंगे जल्द ही, और जल्द आपके सामने ही आएंगे। तो अभी मैं एक जगह कहाँ पे आया हूँ आपको मैं बता दूँ, सरप्राइज है। तो लेके चलता हूँ डायरेक्ट मैं वहीं पे कि आया कहाँ पे हूँ मैं। तो चलिए ले चलता हूँ सरप्राइज के पास। क्या सरप्राइज है आप सबके लिए? तो आज मैं मौजूद हूँ कहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। देखिए कहाँ पे मैं आकर खड़ा हूँ, देख रहे हैं ये शक्ल। कितने दिन से वीडियो बना रहे थे? हाँ, वीडियो बना रहे थे, इसलिए कि चैनल पे जा नहीं रहा वीडियो। काफी दिन हो गया है जैसे कि हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, ब्लॉगिंग भी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम था कि कोरोना का टाइम था, सब बंद हो गया था। और सबसे बड़ा चीज ये एक यूट्यूबर के लिए टॉपिक होता है, जब हमारे पास कोई टॉपिक ही नहीं है तो हम वीडियो बनाएंगे यहाँ से। और टॉपिक बात आता है कि हाँ टॉपिक खुद से बनाना, तो हम इस पे भी वर्क करते हैं। पर अभी जो सबसे जरूरी चीज है वह है एग्जाम आ रहा है बच्चों का, 10th का 12th का एग्जाम है, जो मेरे लिए पहले बहुत जरूरी है। मैं शुरू से कहता हूँ कि मेरे लिए यूट्यूब सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो टाइम पास है, मैं थोड़ा सा मस्ती है वो यूट्यूब के थ्रू कर लेता हूँ। और मेन काम जो मेरा है वो एजुकेशन में मैं लगा हुआ हूँ स्टार्टिंग से, तो एग्जाम का टाइम है जिसकी वजह से मैं वीडियो हम लोग साथ में नहीं बना पा रहे हैं। अशरफ भी थोड़ा बिजी चल रहा है, अभी क्लास में हूँ मैं, ये भी क्लास में है। अभी मैं वही है जो लगातार जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, चैनल के बारे में मैंने बताया था आपको, तो उसी का कुछ वीडियो है जो मैं इस टाइम। अगर आप लोगों ने चैनल विजिट नहीं किया तो जरूर कीजिएगा विजिट। अगर आप स्टूडेंट है तो आपका बहुत प्रॉफिट। तो पढ़ाने के बाद मैं जब लास्ट टाइम होता है तो वहाँ एक वीडियो कोई बना लेता हूँ, काम आ जाए किसी के, सब कोई तो आ अभी आप क्या सॉल्व कर अभी पाइथागोरस थ्योरम है कि तो कुछ बच्चों का डिमांड आया था कि पाइथागोरस थ्योरम, तो सुन सकते हैं कि कुछ बच्चे से कमेंट किए हैं डिमांड था। एग्जाम टाइम ज्यादातर हम लोग बिजी ही रहते हैं कि ज्यादा कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट की तरफ ज्यादा हम लोग फोकस करें लोग। वैसे अभी हम लोग अपने क्लास पे हैं तो मंटी सम कहेंगे एक बार क्लास दिखा दें। अच्छा ये उससे पहले एक बात बताइए, आपको मेरा क्या गेस कर रहा है, मेरा रिजल्ट क्या है? अभी पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है लड़का, तो सब मेहनत करते हैं। ऐसा पैसा नहीं है कि जो आप लोग देखते हो कि वीडियो बना रहा है तो ये कर रहा है, बस थोड़ा सा टाइम है जिसको हम लोग करते हैं, उसके बाद अपना जो काम है उस काम पे लगा रहता है, ये पढ़ता रहता है। अभी क्लास में है, पढ़ाने के बाद से अभी फ्री होकर भाई काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्लास दिखा दो बस, गंदा मत दिखा। आइए आपको आइए आपको दिखाते हैं आपने सोहेल सर का ट्यूशन जो है कोचिंग, उसमें कैसा क्लासरूम है और क्या है। अच्छा तो ये आप क्लास देख सकते हैं, ये क्लास हमारे अशरफ भाई अशरफ सर का है। इस क्लास में अशरफ सर पढ़ाते हैं, लगभग क्लास उसमें होता है नर्सरी टू 4th क्लास तक पढ़ाते हैं। और आप ये दीवार पे देख रहे होंगे कि रिबन वगैरह लगा है, तो उनके क्लास के बच्चे काफी अच्छे हैं, उनका बीच में बर्थडे था इसलिए वो सेलिब्रेट किए थे उनके क्लास के जो बच्चे थे। तो चलिए और दिखाता हूँ मैं आपको दूसरा अगला क्लास, कि अगला क्लास कैसा है ये आप देख सकते हैं। ये क्लास देखने में आपको कैसा लग रहा है? इसका बोर्ड ही गायब है बीच में से, क्योंकि अभी सोहेल भाई बोर्ड उतार के लेके गए हैं वीडियो बनाने के लिए। ये जो क्लास है सोहेल भाई इसमें पढ़ाते हैं, क्लास 9th, 10th और 11th, 12th का क्लास चलता है इसमें। ये 4 क्लास है, मतलब कि 11th, 12th और 9th, 10th है जिसमें पढ़ाते हैं सोहेल भाई। काफी बच्चे भी हैं, कितने बच्चे होंगे सोहेल भाई? लगभग टोटल 250, लगभग आप समझ सकते हैं कि बच्चे इसमें 250+ बच्चे हैं। और यहाँ पे अदर क्लास देखा जाए तो एक और क्लास है, तो इस क्लास में हमारे सोनू सर पढ़ाते हैं। सोनू सर जो है क्लास 5 से लेके 8 तक, शायद 8 तक ना 8 तक पढ़ाते हैं। ये क्लासरूम है उनका, लगभग
टोटल बच्चों का काउंटिंग बता दूं मैं आपको 250 प्लस ही है, काफी ज्यादा बच्चे हैं। और देख सकते हैं कि ट्यूशन का हालत क्या है अभी। आप लोग साफ उफ नहीं करते हैं क्या ट्यूशन? देख रहे गंदगी इन लोगों का क्या? क्या सर आपसे क्वेश्चन है, क्या आपके क्लासरूम ऐसे ही गंदा पड़ा रहता है, साफ अप नहीं होता है? ठंड का दिन था, पानी चूने में हालत खराब है, इसको साफ कौन करेगा? झाड़ू कभी कोई दे देते हैं लोग, बंद भी चल रहा था यार, कैसे साफ करेंगे? कैसे साफ करेंगे मतलब बंद करेगा तो फिर आगे झाड़ू भी लगाएगा? अच्छा घर रहता तब हो जाता, ट्यूशन है तो नहीं हो रहा है क्या? करने के लिए कोई हम लोग कितना करेंगे, जितना हम उससे हो रहा है कर रहे लोग। कल सफाई है तो सफाई एक रखिए स्वीपर। अच्छा सर ऐसा नहीं है, मैंने बोला है उससे बोला पर यहाँ मिल ही नहीं रहा। देख रहा है ये नहीं 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 इधर कुछ अलग मैटर है, पैसा बचाने के चक्कर में ऐसा कुछ कर रहा है। छोड़ो आप तुम कह रहे हो वीडियो बनाने का टॉपिक है कुछ? टॉपिक यही है कि टॉपिक है कोई भी टॉपिक अभी चल रहा है, कोई टॉपिक ही नहीं है यार। कोरोना 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 आया, कोरोना खत्म हुआ, कुछ टॉपिक ही नहीं बचा, कहीं ऐसा ना फिर बंद हो जाए। अब देखो क्या होता है, क्या होता एग्जाम तो है, डेट सीबीएसई भी, अब सीबीएसई का भी डेट। वैसे बताइए कि अगला वीडियो कब आएगा? तो अगला वीडियो देखिए, वीडियो हम लोग डालते रहेंगे कहीं साथ में, अगर एक साथ वीडियो का प्लान जब हम लोग का बन जाए, जैसे हम लोग जब भी फ्री होंगे तो हम लोग एक साथ होके वीडियो जरूर बनाएंगे, बना के डालेंगे। ऐसे हम लोग अगर सिंगल ब्लॉग है वो हम लोग करते रहेंगे, जैसे कल शायद कुछ यहाँ पे सिवान में, जैसे मैंने सुना है कि कल फ्राइडे और जुम्मा के बाद जो हिजाब वाला मैटर आप जान रहे होंगे उसको लेके थोड़ा सा कोई प्रोटेस्ट का प्लान है, उसको या रैली या टाइप का जो भी समझिए, मैं क्लियर मैं जानता नहीं हूँ क्योंकि मैं मिला नहीं हूँ, वो निकलने वाला है। अगर हो सके तो मैं उसका भी एक वीडियो कल कोशिश करूंगा बना के डाल दूँ। ठीक है, बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे। काफी लोगों का कमेंट आया कि आप लोगों का वीडियो नहीं आ रहा है, तब तक के लिए मुझे फ्री करें, मैं जो डिमांड है उसको पूरा करूँ। जाइए आप डिमांड में ही रहिए खुश। चलिए ठीक है, तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत बड़ी।